बॉलीवुड इंडस्ट्री के शानदार अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती आज तक अपने करियर में 350 से भी ज्यादा फिल्मों में नजर आ चुके हैं और इनकी हर एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ अलग ही कमाल कर जाती है। वहीं अभिनेता अपने किरदार को इतने खूबसूरत तरीके से पर्दे पर उतारते हैं कि लोग इनकी तारीफ किए बिना रह ही नहीं पाते, तभी तो दर्शक अक्सर इनकी अगली फिल्म के इंतजार में रह जाते हैं। वेल, अब उनका इंतजार बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। जी हाँ, खबरों के मुताबिक मिथुन दा जल्द ही अपनी एक और अपकमिंग फिल्म के साथ नजर आने वाले हैं, जिसका नाम है आज का बाप, जो कि काफी मजेदार फिल्म होने वाली है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको मिथुन दा की फिल्म आज का बाप की स्टार कास्ट से लेकर फिल्म की कहानी तक की सारी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। साथ ही इस अपकमिंग फिल्म के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दरअसल खबरों की माने तो मिथुन चक्रवर्ती की अपकमिंग फिल्म एक फैमिली ड्रामा फिल्म होगी, जिसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। बता दें कि इस फिल्म को इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर TLV प्रसाद के डायरेक्शन में ही बनाया जाएगा, जिसकी कहानी पर अब काम भी शुरू हो चुका है। डायरेक्टर TLV प्रसाद की बात करें तो इन्होंने अपने करियर में कई फिल्में डायरेक्ट की हैं, जिनमें जनता की अदालत, जल्लाद, सुल्तान, गंगा की कसम, फूल और आग, सूरज, देवदूत और दो नंबरी जैसी कई शानदार फिल्में शामिल हैं। और इनकी ज्यादातर फिल्मों में सिर्फ मिथुन चक्रवर्ती ही लीड एक्टर के तौर पर नजर आते हैं, इसलिए तो इस बार भी TLV प्रसाद अपने फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के साथ ही बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं। वही फिल्म में हमें एक्शन, कॉमेडी और रोमांस के साथ साथ काफी इमोशन सीन्स का डबल डोज भी देखने को मिलेगा, जिसे देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वह अगर बात करें फिल्म के स्टार कास्ट के बारे में तो फिल्म आज का बाप में मिथुन चक्रवर्ती हीरो के पिता के रूप में खूंखार विलन का किरदार निभाने वाले हैं, जो कि बेहद ही भयंकर होने वाला है। वह इनके बेटे यानी कि फिल्म के लीड एक्टर के तौर पर इंडस्ट्री के मोस्ट हैंडसम एक्टर टाइगर श्रॉफ को सिलेक्ट किया गया है, जिन्हें फिल्म में एक्शन और रोमांटिक हीरो की भूमिका में देखा जाएगा। और इनके ऑपोजिट इंडस्ट्री के नवाब परिवार की लाडली बेटी सारा अली खान नजर आने वाली है, जिनकी खूबसूरती के आज लाखों करोड़ों लोग दीवाने हैं। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि इस फिल्म में बॉलीवुड इंडस्ट्री के और भी कई जाने माने कलाकार नजर आएंगे, जिनका नाम अभी तक रिवील नहीं किया गया। लेकिन आपको बता दें कि अभी तक इनमें से किसी भी कलाकार ने फिल्म आज का बाप में काम करने के लिए अपनी कोई कंफर्मेशन नहीं दी है और ना ही फिल्म की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई है, जिसे देखकर यही लगता है कि अभी हम सभी को इस फिल्म के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। पर जब से दर्शकों को इस फिल्म के बारे में पता चला है, तब से ही इस फिल्म को देखने के लिए उनके बीच काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। वेल, फिल्म आज का बाप में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और टाइगर श्रॉफ को पहली बार बाप बेटे के रूप में देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी दिलचस्प खबरों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।